आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक ऐसी डिश जो मार्केट में आ गई तो तहलका मचा देगी, और इसका जायका इतना लाजवाब है कि आप इसे रोज खाना चाहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेविश किचन, डिलाइट इन एवरी बाइट। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई चिकन सीख कबाब ग्रेवी। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब डिश है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी और घर पे सभी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये क्रीमी जूसी और लाजवाब डिश बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चॉपर में डालेंगे आधा किलो बोनलेस चिकन। नेक्स्ट ऐड करेंगे दो मीडियम साइज की रफली कटी हुई प्याज, 10-12 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5-6 हरी मिर्च और हरा धनिया। अब ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर और 1 चम्मच कसूरी मेथी। नेक्स्ट ऐड करेंगे 2 ब्रेड स्लाइसेस। हम 2 छोटी ब्रेड स्लाइसेस यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो 1 बड़ी ब्रेड स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। अब इन सब चीज़ों को चॉपर की हेल्प से बारीक पीस लेंगे। चिकन बिल्कुल बारीक पीस गया है, बिल्कुल पेस्ट जैसा हो गया है। अब इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। सीख कबाब का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हाथ पे तेल लगा के कबाब का मिक्सचर लेंगे और इसे स्क्यूअर पे लगा के सीख कबाब का शेप देंगे। सीख कबाब बनाने के लिए आप स्क्यूअर की जगह स्ट्रॉ या पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। कीमे को स्क्यूअर पे इवनली लगा के कबाब का शेप देंगे और उसके बाद कबाब को सीख के साथ या सीख से निकाल के सीधे गर्म तेल में तलने के लिए डाल देंगे। इसी तरह और कबाब भी बना के तेल में डाल देंगे। कबाब जब एक साइड से हल्के गोल्डन कलर के हो जाएं तो इसे पलट के दूसरी साइड से भी पका लेंगे। सीख कबाब को सब साइड से पलट पलट के गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे और जैसे जैसे कबाब फ्राई होते जाएं इसे तेल से निकालते जाएंगे। आपको एक कबाब तोड़ता दिखाते हैं। ये देखिए कबाब अंदर तक अच्छी तरह पक गया है। अब सीख कबाब को रेडी करने का एक लास्ट स्टेप, इसे देंगे स्मोकी फ्लेवर। एक बड़े बर्तन में सब सीख कबाब को रख लेंगे। इसके सेंटर में रखेंगे प्याली, उसमें रखेंगे सुलगता हुआ कोयला। कोयले के ऊपर घी डाल के लिड से कवर कर देंगे। कोयले को 1 मिनट कबाब में रहने देंगे ताकि एक अच्छा स्मोकी फ्लेवर कबाब में इन्फ्यूज हो जाए। चिकन सीख कबाब रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसे इस तरह भी सर्व कर सकते हैं दही पुदीने की चटनी के साथ। अब हम बनाएंगे सीख कबाब की मखमली मज़ेदार मलाई ग्रेवी। इसके लिए 1 मीडियम साइज की प्याज, 3 हरी मिर्च और हरे धनिया को एक साथ दरदरा पीस लेंगे। अब पैन में गरम करेंगे 1 बड़ा चम्मच रिफाइन ऑयल। इसमें डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी और 1 तेज़पत्ता। नेक्स्ट ऐड करेंगे हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज का पेस्ट और इसे थोड़ा भून लेंगे। अब डालेंगे आधा चम्मच लहसुन और आधा चम्मच अदरक का पेस्ट। इसे भी थोड़ा भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। अब डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 2 चुटकी हल्दी पाउडर और इसे भी मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच हंकर्ड यानी टंगा हुआ दही। नॉर्मल दही को मलमल कपड़े में बांध के टांग देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी गिर जाए और जो दही कपड़े में बचेगा उसे कहते हैं हंकर्ड। अब डालेंगे आधा कप फ्रेश क्रीम और 8-10 काजू को थोड़े पानी के साथ पीस लिया है, इसे भी डाल देंगे। लास्टली 1/4 चम्मच नमक डाल के मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट पकाएंगे ताकि ग्रेवी अच्छी तरह पक जाए, और जब ग्रेवी पक जाएगी तो मसाले से तेल अलग हो जाएगा। अब ग्रेवी में ऐड करेंगे तैयार किया हुआ चिकन सीख कबाब। कबाब को ग्रेवी से अच्छी तरह कोट करेंगे एंड इट्स डन। अब गैस ऑफ कर देंगे। अब झटपट फटाफट इसे सर्व करते हैं। सर्विंग डिश पे अरेंज करेंगे सीख कबाब। कबाब के ऊपर डालेंगे मलाई ग्रेवी एंड लास्टली ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम, और ये रेडी हो गया है मजेदार मखमली जूसी मलाई चिकन सीख कबाब ग्रेवी। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिए, बहुत ही लाजवाब डिश है, आपको और घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। आप सिर्फ चिकन सीख कबाब भी बना सकते हैं, इसका भी एक अलग ही मजा है, लेकिन ग्रेवी के साथ इसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाएगा। आप इस रेसिपी को ट्राई करिए और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग और मजेदार रेसिपीज के साथ। टिल देन हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग।